यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 8वें दिन भी जारी है। राजधानी क्यू खारकिव सहित अन्य बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूक्रेन में रूस के हमले के लगातार 8वें दिन भी जारी। इसी बीच उत्तरी क्यू से लगभग 80 किलोमीटर दूर चेर्निहिव सुकाची बुका शहर की सेटेलाइट में सामने आई है। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। यह इमेज रूसी सेना के निर्माण पर नजर रखने वाली अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जारी की है। आज के अपडेट्स की बात करें तो रूसी सेना ने कीव खरसेन के बाद ओडिशा को घेर लिया है। यूएन का दावा है कि यूक्रेन में 1 मार्च से अब तक रूसी हमलों में 752 नागरिक मारे गए हैं। वहीं रूस के 498 सैनिक मारे जाने की पुष्टि हुई है। जर्मनी जंग के लिए यूक्रेन को 2700 एंटी एयर मिसाइलें देगा। यूक्रेन में क्यू के डुज्वी और नाला 2 मेट्रो स्टेशन के पास 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। यूक्रेन पर रूसी हमले को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने बेलारूस और रूस में अपने सभी प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब तक 10 लाख से अधिक शरणार्थी यूक्रेन से छोड़ चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइलें दी हैं। हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। दोनों देशों के टॉप अफसर बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मांग की है कि रूस को ग्लोबल इंटरनेट पर भी बैन किया जाए, जिससे उसका झूठ का प्रचार रुके। अमेरिका ने रूस के साथ बेलारूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस और बेलारूस के डिफेंस सेक्टर में होने वाले एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की को वहां के नेता मानने को तैयार है। साथ ही रूस जेलेंस्की की पूरी हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमें अपने हथियारों की जानकारी दे दे तो हम हमले रोक देंगे। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन की राजधानी क्यू के पास एक रिहायशी इमारत पर SU-25 एयरक्राफ्ट से एयर स्ट्राइक की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री कैंप पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होने की वजह से अपार्टमेंट पर ही स्ट्राइक कर दी गई। यूक्रेन और रूस की ताज़ा अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।